सबसे पहले ये जानते हैं कि इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों अचानक इस क्लास को अरेंज किया गया, उसके पीछे कारण क्या है। जैसे इस समय लॉकडाउन जैसे से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसी तरह कंपनियों में टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, बहुत सारी दुकानें हैं, शोरूम है, कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, जहां पर इन चीजों की जरूरत है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग अच्छे से ट्रेंड हो जाएं, कहने का मतलब हम आपको अच्छे से ट्रेंड कर दें और आप लोग अच्छे से ट्रेंड हो जाएं, तो जॉब खोजने में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दूर हो जाएगी और आसानी से हमारी जॉब मिल जाएगी। इसलिए अब समस्या ये कि अगर जुलाई में इंस्टीट्यूट ओपन होगा, उस समय हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो पूरी जुलाई तो ट्रेनिंग में ही बीत जाएगी, क्योंकि कुछ महीनों का गैप हुआ है, आप लोग काफी चीजें भूल गए हैं। प्लस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी में किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कैसे करना है, उसका एक प्रोजेक्ट की तरह हम लोग अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो वही प्लस पॉइंट है कि अभी जो समस्या है उसी समस्या को अगर हम लोग अवसर में कन्वर्ट कर लें तो आगे की लाइफ हम लोग की आसान हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग का सेशन अरेंज किया गया है। ये एप्स पुराना है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ग्रुप में बताएं, या इस ऐप में जो क्वेश्चन मार्क बना है आप उस क्वेश्चन मार्क में टाइप करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स हैं, उन सबको पूछें। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने एक लिंक आप लोगों को ग्रुप में भेजा था और उस लिंक के थ्रू आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग होगी कैसे। जैसे हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। अब यहाँ पर हमें इसी गूगल सर्च बॉक्स पर ही सर्च करना है बीजी विन, केवल बीजी विन लिखकर सर्च करिए। जैसे बीजी विन लिखकर सर्च करेंगे ना, यह सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा bgwin.com। अब जैसे bgwin.com पर क्लिक करेंगे तो यह इसका देखिए प्रोडक्ट की लिस्ट खुल जाएगा, यानी इस कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं। तो अभी बिगनर है हम लोग, आप लोगों को शुरुआत से सीखना है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है बीजी का जो 17 वर्जन है और रिलीज 9.11 है। यह वर्जन 31 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक, और इसको हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप साइट में देखें तो यहां पर दे रखा क्लिक टू डाउनलोड, तो जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तभी भी आपके पास समय है, आप यहाँ क्लिक टू डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके और इस सेटअप को डाउनलोड आपको करना है। अब इस ब्राउजर में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये लगभग लगभग 76 MB की फाइल है, 76 MB की, और लगभग ये 10 मिनट 11 मिनट का टाइम बता रहा है इसको डाउनलोड होने में। तो जबकि ये जो बिजी सॉफ्टवेयर है ये उसका सस्ते में पड़ जाता है, इसकी स्टार्टिंग 6,000 रुपए से जाती है। तो बिजी सॉफ्टवेयर के बेसिकली तीन वर्जन आते हैं, एक तो उसका बेसिक वर्जन है, दूसरा स्टैंडर्ड वर्जन है और तीसरा इंटरप्राइजेज है। और इन वर्जनों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सिर्फ यहां पर बीजी लिखकर सर्च करें। ठीक, तो बीजी की कंपनी की एक दूसरी साइट खुलेगी, वहां पर ये देखिए bgsoftware.com, यहां पर इसके सारे वर्जन के बारे में बताएगा, या नीचे देखिए दे रखा है bgsoftware.in। तो ये जो बीजी सॉफ्टवेयर वो तीन वर्जन में आता है, पहला वर्जन बेसिक वर्जन है, दूसरा वर्जन है स्टैंडर्ड वर्जन है, तीसरा वर्जन है इंटरप्राइजेज वर्जन। तो बेसिक वर्जन में सिर्फ हम बेसिक अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें परचेज की एंट्रीज हैं, सेल्स की एंट्रीज हैं, थोड़े बहुत फीचर्स उसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं सारे वर्जनों का कंपेयर आपको एक बार बता दूं कि सारे वर्जनों को हम कंपेयर कैसे करेंगे। ओके, एक और bgsoftware.in। यह भी बीजी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब लिखा है व्यू प्रोडक्ट डिटेल।
जब इस डिटेल पर आप जाते हैं तो आपको ये सारे वर्जन दिखेंगे। एडिशन एक इसका है बेसिक, दूसरा है स्टैंडर्ड और तीसरा है इंटरप्राइजेस। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, डाउनलोड 30 डेज ट्रायल कॉपी एंड प्रोग्राम, यानी हम इसको 30 दिन तक के इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो भी मैंने 30 दिनों के लिए रखा है कि जो पूरे जून तक चलेगा। आज 2 जून शुरू हो रहा है तो लगभग जून के लास्ट तक 30 जून या जुलाई तक ये प्रोग्राम आपका फाइनल हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के लिए कोई चार्ज आपको नहीं पे करना है। जो लिंक मैंने भेजा है वहां लिंक से आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, इंस्टॉल करते समय क्या टेक्निक रखनी है, क्या सावधानी रखनी, वो चीज भी हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरी चीज, अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ने में थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है, आवाज क्लियर नहीं आती है, आवाज फंस रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे पहले की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करते थे वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और उस रिकॉर्डिंग के जरिए आप आसानी से घर पर एक बार दो बार देखें उसको। तो आज के टॉपिक का मेन एजेंडा रहेगा कि हम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले तो बेसिक जानकारी ले लेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, कितने वर्जन्स में है, सारे वर्जन्स में क्या क्या काम हो सकते हैं, उसका सेटअप कैसे डाउनलोड करना है, उस सेटअप को इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करते समय डाटा की डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, तमाम छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में जो है, तो वो छोटी बातें लेकिन आगे चलकर हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जानकारी ना हो। तो मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर हमारा 3 वर्जन में आता है। एक तो हो गया उसका बेसिक वर्जन, ठीक, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड एडिशन और तीसरा हो गया इंटरप्राइजेस। जो बेसिक है वो माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा, लेकिन यहाँ माइक्रो का मतलब सोच छोटी छोटी दुकानों के लिए, ठीक। स्टैंडर्ड जो है वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है और जो इंटरप्राइजेस है वो बड़े कंपनियों तक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आपको बता दिया कि कितने एडिशन है, कितने स्टैंडर्ड है, कितने इंटरप्राइजेस। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस ऐप में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां से अपने क्वेश्चन को पुट अप करें, ठीक। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस ग्रुप पर आप आए, ग्रुप में सारी चीज बताएं। जो अपना हमने बीजी का अलग से ग्रुप बनाया है ना, तो उस ग्रुप में आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसी ग्रुप में आप डिस्कस करिए, उससे सारे लोगों का नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर हो जाए। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिए, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत आप लोगों की दूर हो जाए, जैसे पहले की क्लास में हम लोग देखते थे ना, अच्छे नेटवर्क करिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही, रिकॉर्डिंग से आप डाउनलोड करके वीडियो को आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि बिजी सॉफ्टवेयर के एडिशन के बारे में, तो एक बेसिक एडिशन हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक इंटरप्राइजेज हो गया। बेसिक में क्या क्या काम हो सकता है, यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक। जो इंडिया में इसकी प्राइस है वो 7200 रुपए है, साउथ एशिया में भी 7200 है, अदर रीजन में $240 की इसकी प्राइस। इसकी ट्रायल कॉपी भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पूरे प्रोग्राम को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस सॉफ्टवेयर के डिटेल। अच्छा, बेसिक एडिशन का फीचर्स आपको देखना है तो यहां से आप इसका फीचर्स भी देख सकते हैं। जो लिंक हमने आपको भेजा है वो स्टैंडर्ड एडिशन का भेजा है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस में स्टैंडर्ड एडिशन ही लगता है, काम करना है, सारे वर्जन लगभग लगभग सेम है। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर आपने 2007 चलाया, फिर 2010 आपने चलाया, फिर 2013 चलाया, तो जो सॉफ्टवेयर की 2007 में है कंट्रोल यूएस सेव करने की, वो 2010 में भी है, वही 2013 में भी है, वही 2016 में भी है। हाँ, 2010, 2013, 2016 में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, वही सेम सिचुएशन इस बिजी सॉफ्टवेयर के साथ भी है कि बिजी सॉफ्टवेयर का जो बेसिक एडिशन है उसमें थोड़े बेसिक फीचर्स हैं, जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसमें थोड़े मीडियम फीचर्स हैं, और जो तीसरा है इंटरप्राइजेज उसमें जो है सारे फीचर्स आपके उपलब्ध रहेंगे। अच्छा, ये भी हमारे
सिंगल यूजर, ड्यूअल यूजर और मल्टी यूजर के काम आते हैं। सिंगल यूजर का मतलब एक स्टैंड ओन कंप्यूटर है, आप उस पर बैठ के डाटा अपना फीड करें, अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो डाटा आपके कंप्यूटर में उपलब्ध है, वो कहीं भी नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल नहीं कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा। ये हो गया सिंगल यूजर का इस्तेमाल। ड्यूअल यूजर में दो यूजर आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक लैन के थ्रू। जैसे आप लोग अपने कोचिंग में देखे होंगे कि लैन का इस्तेमाल करके सब कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा गया है, सेम ऐसी चीज वहां कंपनियों में भी होता है कि सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। अब कोई भी अगर अकाउंटेंट है, कोई एंट्री पास करता है, तो उसको उसकी पोस्टिंग के लिए, उसको चेक करने के लिए उसका कोई सीनियर मैनेजर उसको चेक करता है। तो ऐसी कंडीशन में ड्यूअल यूजर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एंट्री कोई एक पर्सन पास कर रहा है, उसकी चेकिंग का काम कोई दूसरा पर्सन कर रहा है। ठीक, तीसरा जो एडिशन है वो इंटरप्राइज एडिशन होता है, वो लार्ज कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ढेर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और पैरेलल सारे लोग आपस में काम कर रहे हैं, और उन सबका जो है एक लेवल बनाया गया है कि एंट्री पास किसको करनी है, एंट्री चेक करना है किसको करनी है, एंट्री पोस्ट कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसमें सिक्योरिटी है, एक्सेस है, तमाम चीजें हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखिए स्क्रीन पर अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। इस सॉफ्टवेयर की जो फाइल है वो setup.rar के नाम से है, और यहां पर आप क्लिक करके इसको सो इन फोल्डर पर जा सकते हैं, और जैसे सो इन फोल्डर पर जाएंगे आपको यहां पर सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस सेटअप के ऑप्शन को आप यहां से, सबसे बेटर तरीका रहेगा कि आप यहां से कट कर लें, और कट करने के बाद आप इसको चले आए डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। अब जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो आपके सामने यहां पर आ गया। इसको F2 से रिनेम कर लें, जिससे फ्यूचर में भूले ना कि ये क्या है, और इसको हम रख लें, नाम रख देते हैं बिजी सेटअप, यानी बिजी का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अब इसको आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा setup.exe, इस पर आप डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन का इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहां पर आप आके यस करें, टास्क बार में देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन एक दिखेगा, अब आपको करना क्या है, यहां नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, और फिर आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है, और पुनः नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप ध्यान दें तो इसका जो लोकेशन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये देखिए जो लोकेशन है, ये सी ड्राइव का बिजी बिन फोल्डर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजी इंस्टॉल करते समय समझने के लिए। जब किसी सॉफ्टवेयर को हम सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे और गलती से हमें लैपटॉप फॉर्मेट करना पड़ गया तो सॉफ्टवेयर भी हमारा चला जाएगा। तो बेहतर क्या रहेगा, हम अपने कंप्यूटर का डी ड्राइव सेलेक्ट करें, ई ड्राइव सेलेक्ट करें, या एफ ड्राइव सेलेक्ट करें, जो भी सी के अलावा जितनी भी ड्राइव है किसी में सेलेक्ट कर लें। आप जब अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ ई बटन दबाते हैं तो इसका एक्सप्लोरर ओपन होता है, और यहां पर आप देखेंगे तो दिस पीसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे ड्राइव दिख जाएंगे। दिस पीसी में आपको सारे ड्राइव दिख जाएंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव और जी ड्राइव, जितने ड्राइव हैं सारे ड्राइव दिख रहे हैं। अब आपको ध्यान इसमें यह देना है कि सी ड्राइव को छोड़ देना है, उसके अलावा डी ई एफ जी जिस ड्राइव में पर्याप्त स्पेस हो, जैसे हमारे कंप्यूटर में देखिए डी ड्राइव में 52 GB लगभग खाली है, ई ड्राइव में 173 GB खाली है, जी ड्राइव में 51 GB खाली है, और एच ड्राइव में 131 GB खाली है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में दो ही ड्राइव, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सी को छोड़कर किसी भी ड्राइव में आप उसको इंस्टॉल करें। हेलो, यहां मैं बता रहा था सी ड्राइव है, इसको आपको चेंज करना है, चेंज के बटन पर क्लिक करके चेंज करें, और चेंज करने के बाद आप डी ड्राइव पर जाएं,
और डी ड्राइव पे जाने के बाद आप यहां पर इसको ओके कर, तो ये डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, चेंज बटन पे क्लिक करने के बाद आपको डी ड्राइव में जाना है और डी ड्राइव में जाके आपको यहां पर बनाना है, इंस्टॉल करना है। तो चलिए, तो अभी आगे बढ़ने से पहले अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव को ओपन कर ले रहे हैं और राइट क्लिक करके सबसे पहले न्यू पे जाते हैं, फोल्डर पे जाते हैं और डीजी विन के नाम से फोल्डर बना दे रहे हैं, जिससे हमारा सारा सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होगा वो डी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, जिससे अगर कभी कंप्यूटर फॉर्मेट हो रहा है तो ना तो मेरा सॉफ्टवेयर डिलीट होगा और ना ही मेरा डाटा डिलीट होगा। चलिए वापस आते हैं सेटअप पर, फिर चेंज बटन पर क्लिक करके यहां पर जो डी ड्राइव है, डी ड्राइव में आप देखेंगे बिजी विन का फोल्डर आ गया है। आने के बाद आप यहां पर ओके कर लें, ओके करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और यहां से आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए। तो चीजें बहुत ही आसान है, अगर आप उसको आसानी से समझेंगे ना तो चीजें बहुत आपको इजी लगेंगी। इसी वाले मैंने आपको बताया कि आप सी ड्राइव को छोड़ के बीजी का सॉफ्टवेयर डी में ई में एप में कहीं इंस्टॉल कर लीजिए। ये था इंस्टॉलेशन करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछें, और अभी आप लोगों की संख्या कम है इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का माइक्रोफोन भी इनेबल कर दें, जिससे आप लोगों को जो भी पूछना है आप बोलकर भी पूछ सकें। अब ये देखिए इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक चीज क्लियर हो गई, कोई इसमें शंका तो है नहीं। अब आप यहां फिनिश के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, आप फिनिश के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां तक आपका काम ओके हो गया। अब यहां पर आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहां पर आप आए, सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब इस नेट की और यहां से कोई मतलब नहीं, इसको हम बंद करते हैं। अब आप देखेंगे तो आपके कंप्यूटर पर ये बिजी का एक आइकन बन के आ जाएगा। अब इस आइकन पे आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर सबसे पहले ओपन होगा। ओपन होते समय ये आपसे एक्सेस मांगेगा। किस चीज का एक्सेस? हार्डवेयर का एक्सेस, यानी सॉफ्टवेयर ये बोल रहा है कि हम आपके हार्डवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए फायरवॉल इसको रोक रहा है, उसको एक्सेस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफेंडर और फायरवॉल की सेटिंग होती है कंप्यूटर में वो कभी एप्लीकेशंस को रोकती है। अब सबसे फर्स्ट चीज आपको आएगा, वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। क्योंकि हमने कोई सॉफ्टवेयर तो खरीदा नहीं है इसलिए डेमो मोड में चलेगा। अरे डेमो में कितना दिन चलेगा? एक महीने तक, यानी एक महीने तक इस डेमो मोड का हम लोग पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी प्लस पॉइंट इसमें क्या है, पहले हम लोगों को डेट चेंज करने में दिक्कत होती थी कि भाई 1 अप्रैल की डेट में एंट्री हो जाती, 2 महीने होती थी, 3 महीने होती थी, 4 महीने होती थी, 15 महीने होती है। लेकिन बीजी में फायदा क्या है, बीजी में आप 1 अप्रैल की डेट में करें, 2 अप्रैल की करें, 3 अप्रैल की करें, 4 अप्रैल की करें, इस तरह से आपका चलता रहेगा। और इस तरह से जो है ये जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पे हम लोग 1 महीने तक अच्छी तरीके से पूरा फुल वर्क कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब यहां पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। अब सबसे पहली चीज आप यहां देखेंगे तो आपके सामने मेनू दिखेगा, ऊपर कंपनी मेनू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर मेनू हो गया, ट्रांजेक्शन मेनू हो गया, डिस्प्ले मेनू हो गया, प्रिंट ईमेल हो गया, ये सारे मेन्यू है। इन्हीं सारे मेन्यू में इसके सारे ऑप्शन है। ठीक, और ये सारे ऑप्शन तब तक हाईलाइट नहीं होंगे जब तक एक आप कंपनी क्रिएट ना करें और कंपनी क्रिएट करके सारा वर्क ना करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में कहां पर जाके स्टोर होगा,
इसके लिए सबसे पहले आप डाउन एरो जो नीचे वाली तीर होती है कीबोर्ड में, उससे आप नीचे चलते चले आए और आपको जाना है सेट डाटा डायरेक्टरी के ऑप्शन पर। और सेट डाटा डायरेक्टरी के ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डाटा स्टोर कहाँ हो रहा है। तो डी ड्राइव में बीजी बिन का फोल्डर है, उसके भीतर डाटा नाम का फोल्डर है और इसी फोल्डर में हमारा जितना भी अकाउंटिंग का डाटा होगा वो सारा डाटा हमारा यहाँ पर स्टोर होगा। इस पाथ को ओके करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, हमें अपना मॉडल भी सेट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट बीजी मॉडल पर जाएंगे और यहाँ स्टैंडर्ड एडिशन ले लेंगे और यहाँ पर सिंगल यूज लेंगे प्रैक्टिस के लिए और फिर इसको हम सेट कर, फिर यहाँ पर यस करते हैं। दो चीज हो गया। तीसरी चीज, अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है, यानी बीजी हमें कंपनी कैसे बनाना है ये चीज सीखना है। पहले हम कंपनी बनाते थे, कंपनी क्या होती है, जहां पर आपका सारा अकाउंटिंग का डाटा स्टोर होता है आपकी कंपनी है, आपके कंप्यूटर का लोकेशन है। तो अकाउंटिंग आप किसी भी चीज की करें, चाहे किसी दुकान की करें, चाहे किसी शोरूम की करें, किसी एजेंसी की करें या किसी बड़ी कंपनी की करें, किसी स्कूल का करें, किसी कॉलेज का करें, डज नॉट मैटर, आपको कंपनी ही बनानी है। क्लियर है? तो आप क्रिएट कंपनी के बटन पर क्लिक करें, क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंपनी बनाने का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर एक डेमो हमने ले रखा है प्रोजेक्ट के लिए और उस प्रोजेक्ट के अनुसार ही हमको अपना सारा काम करना है। देखिए, मैंने एक इनवाइस मंगा रखा है, उस इनवाइस के आधार पर ही हमको सारा काम करना है। अभी जल्दी इनवाइस से कर रहे थे। देखिए, यह एक बिल है ना, और कुछ चीजें हम एज्यूम करके चलेंगे इस प्रोजेक्ट में। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब क्या, कि एक हम केस ले लेते हैं, किसी दुकान का एग्जांपल लेते हैं और वहां से चीजों का हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये मेरी फर्म है, इसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं और उसी के आधार पर हमें सारा काम करना है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल है ये हमारी फर्म का नाम है, एक मिनट के मान लेते हैं। और ये जो लक्ष्मी एजेंसीज है ये मेरा सप्लायर है, हमने लक्ष्मी एजेंसीज से कुछ परचेज किया, कुछ माल खरीदा। गुड्स क्या होता है, जिसको व्यापारी पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदता है वो गुड्स होता है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने लक्ष्मी एजेंसी से कुछ खरीदा, हमारी फर्म का जो नाम है श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल है, हमारी फर्म का जो लोकेशन है वो रामबाग चौराहा कुशीनगर है, हमारी फर्म का जो GSTIN नंबर है वो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है 09CSGP के, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है और स्टेट का जो कोड है वो 09 है। जब हमने GST की थियोरी आपको क्लास में पढ़ाई होगी तो आपको याद होगा, हमने ये बताया था कि पूरे भारत में एक ही टैक्स है, वो टैक्स क्या है, GST, जो व्यापार पे लग रहा है। तो उसके उसने क्या किया है कि हर स्टेट को अलग अलग कोड अलॉट कर दिया गया है। यूपी को 09 दे दिया गया है, बिहार को 07 दे दिया गया है, सॉरी बिहार को 10 दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, दिल्ली को 7 दे दिया गया है, ऐसे हर स्टेट को एक अलग अलग कोड दे दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा गुड्स कहाँ से सेल हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यह सोर्स और डेस्टिनेशन का कंफर्मेशन करने के लिए हर कोड को GST डिपार्टमेंट ने कोड, हर स्टेट को एक कोड अलॉट कर दिया है और वह कोड हमारा कहलाता है स्टेट कोड। तो यूपी का स्टेट कोड 09 से होगा, इसलिए आप देखेंगे कि यूपी के जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे GST के, वो सारे GST के रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे 09 से स्टार्ट होंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर हम लोग अपना वर्क करते हैं। सबसे पहले तो एक कंपनी बनानी है हमको, कंपनी बनाने के लिए हमें अपनी फर्म का नाम वगैरह बाकी सब चीज भरना है। तो चलिए यहां से हमने उसको कर दिया इरेज। ठीक है, और यहां से अपनी कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है, श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल, बहुत ही आसान है। यहां से हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहां कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। शॉर्ट नेम पूछ रहा है, आपने अपनी शॉप का कोई शॉर्ट नेम रखा है क्या,
अगर रखा है तो भर देंगे। जैसे हमारी संस्था का नाम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ लिख देते हैं क्या GIT, उसी तरह इस दुकान का भी कुछ नाम रखा है क्या? ठीक, चलिए तो इसका नामकरण भी आज कर दे रहे हैं हम लोग, SRBM, श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल। कंट्री इंडिया हो गया, स्टेट कहां पर है इसका? उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करते हैं। बुक कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2020 से कर रहे हैं। एड्रेस क्या है? तो एड्रेस को भी यहां से देख लेते हैं। एड्रेस वगैरह आप कहीं भी आप काम करें उसको प्रॉपर तरीके से लिखें। जैसे रामबाग चौराहा है ना, इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसको फर्स्ट लाइन में पेस्ट कर दिया। ठीक, एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है तो हमने भर दिया डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। अच्छा, इसके आगे अगर आपको कुछ भरना है, जैसे मान लो हमने भर दिया नियर कैप्टनगंज, तो ये भी आप यहां से भर सकते हैं। अब IT पैन नंबर, ठीक, तो पैन नंबर भी आपको यहां पर भरना है। तो अगर आपको पैन नंबर नहीं पता है तो मैं आपको पैन नंबर पता करने का तरीका साधारण बताता हूं। देखिए ध्यान से, ये कंपनी का GSTIN नंबर है ना टोटल, ये देख लीजिए कितने अंकों का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अंक। शुरू के 2 अंक आप निकाल दीजिए, यानी 09 को हमने अलग कर दिया। अब उसके बाद का जो अंक बचेगा वो अंक हमारा होगा पैन नंबर। ठीक, तो चलिए पैन नंबर हम यहां से निकालते हैं। ये तो पैन नंबर हमने यहां से कॉपी कर लिया, कहां तक? ये 10 अंक का पैन नंबर होता है। आपके पास अगर पैन कार्ड होगा तो जरा पैन कार्ड निकालिए और निकाल के एक बार काउंट करिए कि आपका पैन नंबर कितने अंक का है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पैन नंबर जो है वो 10 अंक का है। तो शुरू का 2 अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो 10 अंक है वही उसका क्या है? पैन नंबर। शुरू का 2 अंक छोड़ने के बाद जो उसके बाद का जो 10 अंक है वही उसका पैन नंबर। तो हम यहां से इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद हमने यहां सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। टैलिंग पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट भी इस्तेमाल करते थे, बट इसमें सिंपल है ना, सरल। ये कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, जो हम लोग एमएस वर्ड पढ़े हैं, नोटपैड पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, वही सब चीज यहाँ पर भी है, कुछ कठिन थोड़ी है। अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो भर दीजिए, और नहीं तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अच्छा, एक चीज और अच्छा रहता है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल तो बेटर है। जैसे हमने पढ़ दिया MOB और 9935131222। आप लोग कंपनी में रहिए, अपना नंबर डालिए। CIN नंबर क्या होता है ये चीज समझ लिए। CIN होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। भाई एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वह अपना व्यापार भारत के अलावा बहुत सारे देशों में कर रही है, तो पूरे भारत में उसको GST नंबर से पहचान लिया जाएगा कि GST नंबर है। GST नंबर 09 शुरू है यानी UP का है, फिर उस GST नंबर का डिटेल से फिक्स हो जाएगा कि कहां का है। लेकिन विदेश में बैठा व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि ये कंपनी कहां की है? इंडिया की है, अमेरिका की है, पाकिस्तान की है, कनाडा की है, कहां की? उसके लिए CIN नंबर बनाया हुआ है। तो जो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिन्होंने अपना व्यापार इंडिया से बाहर भी स्टैब्लिश कर रखा है, उनके लिए CIN नंबर लेना इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। या कोई भी कंपनी है जो भारत से बाहर की है, भारत में व्यापार करना चाहती है, वो भी अपना CIN नंबर ले। यानी कोई भी कंपनी अगर अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में भी अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहती है तो उसे CIN नंबर लेना मैंडेटरी होता है, बिना CIN नंबर के वो वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए टेलीफोन नंबर आ गया, यहाँ टेलीफोन नंबर डाल देते हैं। जो चीज नहीं है उसको नहीं भरेंगे, गलत इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में भरने ही नहीं है। इंफॉर्मेशन ना हो छोड़ दीजिए, आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं चेक का डिटेल नहीं है छोड़ दीजिए, लेकिन गलत चेक नंबर वहां भरकर एंट्री मत करिए। ठीक, करेंसी सिंबल रुपीज ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं,
सब करेंसी सिंगल पैसा ही होता था, या आजकल रुपए पैसे में तो काम होता है, तो रुपया पैसा ही है, भी डॉलर तो यहाँ आया नहीं है। अब आया सबसे मेन चीज जीएसटी आई एन। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपनी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर यानी पूरा 15 अंक का जो नंबर है उस पूरा 15 अंक के नंबर को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। अब पूछा जाएगा टाइप ऑफ डीलर, डीलर का प्रकार, तो डीलर दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो भाई रेगुलर डीलर होगा या कंपोजिशन डीलर होगा। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन आजकल हो रहे हैं उनके दो ही तो चीज है, रेगुलर या कंपोजिशन, तो आप रेगुलर सिलेक्ट कर लें। अब डिफॉल्ट टैक्स रेट 1 है, 2 है, क्या इनकी जरूरत कहां पड़ती है, इसको भी समझ लें। मान लीजिए कि मेरे सीमेंट की दुकान, ठीक, हम जानते हैं सीमेंट पे 28% टैक्स लगता है, सीमेंट के साथ हम और कोई भी चीज सेल नहीं करते, खाली हम सीमेंट बेचते हैं, तो डिफॉल्ट टैक्स रेट 28% भर दें। अब बाद में दिमाग में आइडिया नहीं, सीमेंट के साथ हम सरिया भी बेच सकते हैं, अब सरिया लोहे का प्रोडक्ट है, उस पर 18% जीएसटी, तो जो रेट 2 है वो 18 कर देंगे, यानी डिफॉल्ट रेट 1 में 28 और रेट 2 में 18। लेकिन परेशानी कहाँ क्रिएट होगी, परेशानी तब क्रिएट होगी जब आपको एक ऐसा आइटम भी सिलेक्ट कर ले उसी कंपनी में अपने जो 12% का है, तो इसमें दो ही ऑप्शन दे रखा है, तीसरे की जगह तो दे नहीं रखा है, इसलिए आपको तीसरे में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप सबसे बेटर क्या है, आप यहाँ पर भर दें अपने कंपनी में जो मेन मेन प्रोडक्ट है उनका जीएसटी नंबर भर दें। भाई 4 ही 5 बनाए गए हैं स्लैब, 28%, 18%, 12%, 5%, 3%, और एक है मिल 0, यही इतने स्लैब हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके ट्रेड का स्लैब कौन सा है। अब यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर यस करें। अब इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई। अब ये कंपनी बनी कहाँ, ये कंपनी बनी डी ड्राइव में, बीजी विन का जो फोल्डर था उसके भीतर डाटा नाम का फोल्डर था, वहां पर जाके कंपनी क्रिएट होगी। ये लोकेशन जानना इसलिए जरूरी है कि कभी अचानक मान लीजिए बैकअप नहीं ले पा रहे हैं आप, बीजी सॉफ्टवेयर आपका खुल नहीं रहा है, आपको लैपटॉप फॉर्मेट करवाना है, आपको डर है कि फॉर्मेट करने वाला गलती से हमारा कंपनी भी ना फॉर्मेट कर दे, पूरा ड्राइव भी ना फॉर्मेट कर दे, उस समय आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपकी कंपनी एक्चुअल में क्रिएट कहाँ हुई। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए ना कि कंपनी क्रिएट कहाँ हुई है, तो आपके लिए बेहद आसानी होगी आगे का वर्क करने। तो इस तरह से कंपनी क्रिएट हो रही है। अब यहां पर लिखा कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट द सुपर यूजर फॉर द कंपनी, यानी इस कंपनी के लिए अब आपको एक सुपर यूजर बनाना है, वह यूजर और उसका जो पासवर्ड होगा उसी पासवर्ड से आपकी कंपनी खुलेगी। ओके कर दिया, तो चलिए मैंने यूजर बना लिया राम, पासवर्ड में लिख दिया RAM राम, और कंफर्म पासवर्ड में लिख दिया राम। ठीक, तो राम जी का नाम लेकर हमने कंपनी बना दिया है। अब इस कंपनी में सारा हम लोग लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, सारी चीज करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें आप लोगों को कहाँ तक क्या दिक्कत आ रही है वो चीजें आप स्टेप बाय स्टेप पूछते जाएं बेहिचक। क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप है,